हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी हम चल रहे हैं एक जगह, जैसे हम लोगों का पूजा चल रहा है, घर का पूजा होता है ना, वही चढ़ रहा है। तो अभी हम रिलेशन में थे तो अभी आए हैं, उधर सब तैयारी हो रहा है। तो आप सभी बने रहें वीडियो में शुरू से लास्ट तक, और आप लोग को जो भी होगा जरूर दिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। लेकिन अभी इधर देखिए, इधर ये रास्ता है, इधर जो है ना बह है, यानी जो नहर भी बोलते हैं गांव में, इसमें पानी नहीं है। और ये देखिए, ये रास्ता जो है ना, इसमें बहुत डर लगता है जाने में, क्योंकि इधर जो है ना सांप वगैरह का बहुत डर लगता है। देखिए कितना जंगल हो गया है, और ये उरुई हुई है ना, उरुई क्या बोलते हैं हम लोग के गांव में, अरुई बोलते हैं, बहुत लोग अरुई बोलते हैं। और इधर जाने के लिए पूरा अजीब लग रहा है, और सही में इधर से सांप भी रहेगा ना तो मार लेगा डंक धीरे से, इसके लिए डर लगता है। तो आप सभी बने रहें शुरू से लास्ट तक, और चलिए, क्योंकि इसमें बहुत डर लग रहा है, हमको खुद ही लग रहा है। और इधर देखिए, नंगा तार जो है ना, इतना नीचे है, देखिए ये इतना हाइट पे। तो मुंडी को हम झुका के चलेंगे, नहीं तो आदमी वो लेके जाते हैं ना बोझा ओझा, जैसे हरियर काट के, तो कपारे पे छुआ जी तो घेच ले, टाइम ना लगाई लाइन ईयर। तो चलिए अभी हम आ गए हैं बहुत दूर तक। देखिए हम उधर से, वो बगीचा से हम यहाँ तक आ गए, और इधर तो इतना घास है ना, रोड पे, रोड नहीं है, नारी जैसा है, इधर बहुत घास है, थोड़ा सा नहीं बहुत काफ़ी है। और इधर देखिए मूछ, इसको कुश भी बोलते हैं गांव में। ये देखिए मूछ, इसमें देखिए कैसा लग रहा है, देखिए ये देखिए, इसमें जाने के लिए तो रास्ता ही नहीं है, और कैसे भी हम चल चलेंगे उधर। तो आप सभी बने रहिए। तो फ्रेंड, अभी हम कुछ काम से, कुछ यानी सामान कम हो गया था, तो अभी हम पूरा जा रहे हैं, यानी पूरा एक जो है वो पड़ता है, चौराहा है यानी चट्टी है। तो आप सभी बने रहे हैं वीडियो में। और क्योंकि मैं भी कहीं गया था और वहाँ से आया हूँ, और इधर देखिए कितना हरियाली दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत ही अच्छा है, और बद्री लगा हुआ है। तो हम अभी वहाँ पे जा रहे हैं सामान लेने के लिए, उसके बाद वहाँ से लेके आएंगे। इधर एक स्कूल पड़ता है, देखिए ये छोटे बच्चे लोग के लिए है। और इधर है डी बाबा, आप लोग को मालूम ही चल गया होगा, लेकिन जो है ना ये कितना अच्छा लग रहा है वो चीज़ मेरे को बहुत ही, क्योंकि मौसम ये जो है ना ठंडा है ना, धूप नहीं है ना, इसकी वजह से बहुत ही अच्छा आ रहा है, वीडियो भी बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो में भी। तो गाड़ी जो है ना भैया चला रहे हैं, और ये जो है ना गांव पड़ता है पूरा के बगल में, यहाँ का रोड जो है ना बहुत बेकार है। ये देखिए गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों हैं, और इसके आगे भी एक है, उधर भी रोड जो है ना बहुत ख़राब है। देखिए कितना पानी, इधर तो गिरने का बहुत डर रहता है, लेकिन क्या करें, इसी में सब लोग जाते हैं। और इधर एक मंदिर है भवानी माता का, और बहुत ही अच्छा लगता है भवानी माता का मंदिर देख के। और इसके अंदर जो है ना कई मूर्ति है, क्योंकि एक दिन हम जो है ना बारिश में गए थे, और वहाँ पे जो है ना रुके थे, क्योंकि हम जा रहे थे यहीं पे चौराहा पे, तो हम उस वहाँ पे रुके थे। तो मंदिर जो है ना हनुमान जी का, और भी जो है ना मंदिर, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और इधर देखिए बकरी, इधर एक दादा चरा रहे हैं, देखिए। तो
और इधर भी एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का। तो अभी हम जो है ना, हम यहीं पे आए हैं। और इधर देखिए ये कितना, ये रोड पे कितना अच्छा लग रहा है। तो वहाँ पे जाने का रीज़न हो गया ना, मेरे को सामान लेने आना है क्योंकि घर का पूजा चढ़ रहा है ना, इसके वजह से। और वो लोग इंतज़ार ही कर रहे थे, हम घर पे जैसे आए वो लोग फ़ोन करके बुलाए, क्योंकि भाई लोग वहीं पे थे तो वो लोग फ़ोन करके बुलाया तो हम आए। उसके बाद में हम वहाँ पे पूरा के लिए हम निकल गए। एक बीच में एक चौराहा पड़ता है, राजेंद्र नगर बोला जाता है, छोटा सा चौराहा है, कोई बड़ा नहीं है। यहाँ पे 10-12 दुकानें हैं बस, इधर थोड़ा सा है, इधर इधर एक जो है ना कटरा टाइप का है, उसमें सब दुकानें हैं। और इधर देखिए ये सब जो है ना नहर का पानी आया हुआ है। और यही रोड जो है ना पतोई चला जाएगा, पतोई से जाके सिकंदरापुर जाके मिलेगा, और वहाँ पे मिलने के बाद में ये सीधा चला जाएगा वहाँ पे, इधर एक घोसी के इधर चला जाएगा, एक नागरा के इधर चला जाएगा। और ये जो गाड़ी है ना वो उधर से हॉर्न मार रही थी, क्योंकि एक गाड़ी से और एक बाइक ही जा सकती है। और अभी हम लोग आ गए हैं खड़ंजा पे। सही बोले तो हमको क्या लेना था, मसाला लेना था, और हम ले लिए हैं मसाला वहाँ से जाके। तो अभी जो है ना इस समय हम लोग वापस हो रहे हैं। और ये जो है ना गांव का रोड है, गांव में ऐसे ही रोड मिलता है। और इधर जो है ना एक अखड़हिया बारी है, इधर इधर देखिए, और एक खड़ंजा पे भी बारिश में बहुत अच्छा नहीं लगता है, डर ही लगता है, क्योंकि चारों तरफ देखिए मिट्टी वाला ही रोड है। इस पे भी बहुत अजीब लगता है। और धान तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मौसम जब चेंज होता है ना तो फसल की कलर भी चेंज हो जाती है, कितना अच्छा लग रहा है। और इधर सामने एक पड़ेगा सरकारी ट्यूबवेल, ये देखिए सरकारी ट्यूबवेल है, इसमें ये तो बहुत पानी देता है, इसमें बहुत मोटा मोटा पाइप है। और भैया चला रहे हैं, क्योंकि कई दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है, इस समय टाइम का बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि घर पे काम भी चल रहा है इसके वजह से। और अभी हम लोग यानी बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, अभी हम लोग सीधा वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे पूजा चढ़ रहा है। तो ये जो पूजा है ना हम लोगों के घर का है, और आप लोगों को मैं दिखाऊँ तो ये देखिए उधर भौरी लगा हुआ है, इधर भी ये सब बन रहा है, और यहाँ पे पूजा वगैरह चढ़ गया है। तो जितने घर के आदमी रहते हैं ना वो सब के लिए, मतलब वो सब लोग खाते हैं यहाँ पे। और इधर जो है पराई वराई जो भी है घी का वो सब चढ़ा दिया गया है। और ये देखिए भौरी, जिसको जिसको भौरी खाना है आ जाइए। और इधर देखिए इधर भी सब लोग बैठे हैं। और इधर मैं दिखाऊं, इधर जो है हम लोगों का खेत है, बड़का जी का डेरा है। और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊं, उधर बन रहा है, और कौवा मामा आ गए, ये देखिए। और इधर भाई है, ये भौरी निकाल रहा है। ये लोग पतोई के हैं और अपने घर के हैं, यानी ये लोग दयाद हैं, यानी दयाद बोले तो पटीदार हैं। और इधर अभी जो है तैयारी फुल चल रही है, क्योंकि अभी खाने का भी टाइम समय हो रहा है। इधर है बकरी, बोक्का है और एक बकरी है, छगड़ी है। और इधर अभी हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं, भैया हैं, बड़े पापा हैं, सब लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। और ये लोग खा भी रहे हैं और साथ में हम भी बैठे हैं खाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग खा नहीं रहे हैं, वो लोग खिला रहे हैं, वो लोग बाद में खा लेंगे। और हम लोग अभी इस समय बैठ गए हैं, क्योंकि नीचे बैठ के खाने में, एक साथ में खाने में, बाहर में बहुत, जो घर से बाहर खाना बनता है उसमें बहुत ही आनंद आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए ये लोग सब लोग भौड़ी तोड़ के रखे हैं।
सब लोग जुटे हुए हैं। और इधर जो है पतीला रखा हुआ है, इधर ये बड़कावा जी हैं, यही खिला रहे हैं। और देखिए इनको भी गर्मी हो रहा है, इनको भी गर्मी हो रहा है क्योंकि ये गांव के गांव में ही रहते हैं। उसके बाद भी और उधर बड़कावा जी हैं, ये बीच में फूफा हैं। और इधर जो हैं ये जो दिख रहे हैं भाई जो शर्ट में, ये गांव के ही हैं और ये भी गांव के ही हैं। साइड में भैया हैं, और वो जो हैं करौदी के हैं, वो जो हैं यहीं पे पतोई हैं वहाँ के हैं। और हम भी खा रहे हैं क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है और गर्मी भी लग रहा है, लेकिन मौसम थोड़ा ठंडा है। और अभी हम वहाँ से खाने के बाद में हम आ गए हैं, एक खानपुर गांव है ना उसमें आ गए हैं। यहाँ पे हम तोड़वा रहे हैं आमड़ा, जिसको वो देखिए उधर पेड़ पे चढ़ा है एक लड़का ये, क्योंकि ये आमड़ा का डांड भी बहुत नाजुक होता है ना। और इधर हम आमड़ा तोड़वा रहे हैं, इसका जो है अचार पड़ता है। और जब हम आते हैं तो यहाँ पे तोड़वाते हैं, दूसरे का पेड़ है ये इधर। तो फ्रेंड आज के वीडियो में यही सब था, और ये घर का पूजा था। और जिसको जिसको आमड़ा चाहिए आप लोग आ सकते हैं अचार डालने के लिए, हमारे पास आमड़ा बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।